नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का फिर से स्वागत है वेद श्री आईएएस क्लासेस में, और वी आर डिस्कसिंग इन ज्योग्राफी रिगार्डिंग अवर प्लैनेट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रहों से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ, परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल, है ना, दैनिक तापांतर क्या होता है, दैनिक तापांतर क्यों होता है, वातावरण का क्या रोल है, गैसेज का क्या रोल है, गैसें कब प्लैनेट के चारों तरफ रहती हैं, कब नहीं रहती हैं, हीट का क्या इफेक्ट होता है, इन सब बातों की हमने चर्चा की थी। ठीक है, देखिए आज की क्लास पूर्ण तरीके से ग्रहों पर हमारे फोकस रहने वाली है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज की और यहां चर्चा कर लें, उल्का चर्चा कर लें हम उल्का और उल्काशु, थोड़ा इस पर और हम डिस्कस कर लें एक बार। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार, नहीं सुना? सुना होगा शूटिंग स्टार, ठीक है, टूटता हुआ तारा या उल्का या उल्काशु, दोनों बातें। उल्का और उल्काशु में एक बहुत बड़ा अंतर है, डायग्राम समझते हैं। जानकारी के लिए समझो कि ये सौर मंडल के सदस्य हैं। ये क्या हैं? सौर मंडल के सदस्य हैं, ठीक है। एक बात तो ये मान लीजिए, जो भी उल्का है, अगर किसी प्लैनेट को ये माने, कंसीडर कर लेते हैं हम ये प्लैनेट, प्लैनेट या ग्रह, ठीक है, और ये मान लीजिए कि इस प्लैनेट के चारों तरफ फिर वही सेटलमेंट एटमॉस्फेयर मौजूद है। देखिए पूरा का पूरा सिस्टम डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत शायद आपको ना पड़े। देखिए हम ये मान लें कि एक उल्का है। क्या है? एक उल्का। क्या है? उल्का। ये उल्का किसके बने हो सकते हैं? ये उल्का लोहा प्लस निकल के बने हो सकते हैं, है ना, हो सकता है लोहा प्लस सिलिकॉन का बना हो। उल्का किसका बना हो सकता है? लोहा प्लस सिलिका का बना हो सकता है, या लोहा केवल पत्थर स्टोन के बने हो सकते हैं। बात बहुत ध्यान से समझिए, उल्का तीन प्रकार से हैं। पहले प्रकार में क्या हो सकता है उल्का का, कि हो सकता है उल्का किसका बना हुआ हो? लोहा प्लस निकल का बना हो। दूसरे प्रकार का यानी कि सेकेंडरी टाइप का उल्का किससे बना हो? लोहा प्लस सिलिकॉन से बना हो। और थर्ड टाइप का उल्का पत्थर से बना हो। किससे बना हो? पत्थर से। तो ये बेसिकली बात ये हुई कि ये प्राइमरी टाइप का हो गया। कौन से टाइप का हो गया? प्राइमरी टाइप का। ये सेकेंडरी टाइप का हो गया, ये टर्शरी टाइप का हो गया, है ना। तो तीन टाइप के आपने उल्का देखे मैटर्स। अब हुआ क्या कि ये उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। अब हम ये मान लेते हैं कि ये उल्का कहां आ गया है? पृथ्वी के वायुमंडल में। समझ लीजिए, उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में क्या कर गया है? प्रवेश, ठीक है। अब देखिए जब ये प्रवेश कर रहा है तो ये जो गैसेस हैं, ये सारी गैसेस, भाई इन गैसों से ये उल्का टकराएगा कि नहीं टकराएगा?
बोलिए, अब होगा क्या कि ये उल्का इन गैसों से टकराएगा जो चारों तरफ हैं वायुमंडल में प्रवेश। पृथ्वी, देखिए बार बार मैंने पहले बताया था कि पृथ्वी में हर बार इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि पृथ्वी एक मेरे लिए बहुत यूज टू नाम है, तो इसलिए लिखा कि किसी भी ग्रह में जब ये प्रवेश करेगा तो ये घर्षण का शिकार होगा। किसका शिकार होगा? घर्षण का शिकार ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एटमोस्फियर। घर्षण का शिकार होगा किसके? वायुमंडल के या वायु को जाने के घर्षण का शिकार होगा। देखिए जब ये इससे घिसेगा वायुमंडल से तो ये घिसकर जलकर नष्ट हो जाएगा, घर्षण का शिकार और क्या हो जाएगा, और ये नष्ट हो जाएगा। और जब ये नष्ट हो जाएगा, आपने कभी बहुत सारे तारों को देखा होगा वो ऐसे जाके ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे बात नहीं, आपने देखते ना तारे में कई बार आया जल के क्या हो गया, नष्ट। अब चूंकि ये जलकर नष्ट हो गया है तो ये क्या बन जाएगा, इसी स्टेज को उसे कहते हैं शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। क्या कहते हैं इसको? टूटता हुआ तारा कहेंगे इसको। नहीं समझ में आई बात? एक उल्का है, उल्का तीन टाइप के हो सकते हैं, वो उल्का जिनमें लोहा प्लस निकल होता है प्राइमरी टाइप के उल्का होते हैं, वो उल्का जिनमें लोहा प्लस सिलिकॉन होता है उन्हें सेकेंडरी टाइप के उल्का कहते हैं, वो उल्का जो केवल पत्थर से बने होते हैं उन्हें तीसरे प्रकार के उल्का कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये उल्का पहले एटमोसफेयर में आते हैं, घर्षण का शिकार होते हैं और क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब ये नष्ट होने वाले होते हैं तो क्या कहते हैं, इन्हीं को शूटिंग स्टार कहा जाता है। ठीक, अब क्या होता है, ये तो दूसरी कंडीशन हुई। एक कंडीशन क्या, अगर इसको हम कहें कि फर्स्ट कंडीशन हो गई, अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है ये उल्का आसमान में ही फट जाए, आसमान में ही फट जाए। अगर ये उल्का आसमान में ही फट गया तो इसी घटना को कहते हैं बोलाइट। क्या कहते हैं? बोलाइट। ठीक है, जब कोई उल्का आसमान में फट गया और उस घटना को हमने क्या कहा, उस घटना को हमने बोलाइट कहा, और जब ये आसमान में ये फट जाएगा तो फटने के बाद क्या होगा कि इसके टुकड़े बिखर कर कहाँ आ जाएंगे, धरती पर, जिन्हें टेक्टाइट कहा जाता है। और जो टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टेक्टाइट। ये ध्यान रखना। तो अभी तक आपने क्या देखा, उल्का देखा, देखा कि उल्का कितने प्रकार का होते हैं, उल्का तीन प्रकार के होते हैं, लोहा प्लस निकल वाले उल्का, लोहा प्लस सिलिकॉन वाले उल्का और केवल पत्थर वाले उल्का। अब होता क्या है कि मैंने ये बताया कि ये उल्का कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, ये उल्का प्रवेश कर जाते हैं कहाँ, वायुमंडल में। जब ये वायुमंडल प्रवेश करते हैं तो घर्षण का शिकार हो जाते हैं ड्यू टू फ्रैक्शन ऑफ एटमोसफेयर, ये क्या हो जाते हैं, नष्ट। तब इन्हें क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। दूसरा हम क्या कहते हैं कि हो सकता है कि ये उल्का आसमान में ही फट जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, बोलाइट। जब उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं तो उन टुकड़े को क्या बोलते हैं, टेक्टाइट। और ये बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं कई बार। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ कि जब टेक्टाइट पृथ्वी पर गिरे और क्या हुआ, नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। अब तीसरी बात देखिए, हो सकता है कि ना तो ये स्थिति हो ना ये स्थिति हो, उल्का पिंड ना तो जलकर नष्ट हो ना ही फटे। इसका मतलब उल्का पिंड क्या है, बड़ा। तो होता क्या है, तो ये उल्का पिंड कहां आ जाएगा, ये उल्का पिंड जब बड़ा है तो किस पर आकर गिरेगा, पृथ्वी पर आकर गिरेगा। जब उल्का
आकार में क्या होता है, बड़ा, तो कहां गिरता है, पृथ्वी पर आकर, और क्रेटर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्रेटर का निर्माण। बात समझिए कैसे, हम ये मान लें कि ये पृथ्वी है, ये ठीक है। अब ये उल्का क्या हुआ है, ये उल्का शेप में क्या था, बड़ा था। अब चूंकि जब ये शेप में बड़ा था तो ये कहां के गिरा, ना तो ये फटा ना ये जलकर नष्ट हुआ, तो ये पृथ्वी पर आकर गिरेगा। तो सीधी सी बात है, बहुत ध्यान समझिए, जब ये यहां आएगा तो जब इस पर गिरेगा तो ये पृथ्वी पर एक खड्ड बना देगा। क्या बना देगा, एक खड्ड, ए इस प्रकार से। किसका निर्माण करेगा, एक खड्ड का निर्माण करेगा, दैट इज क्रेटर। और होगा क्या, जब बारिश पड़ेगी तो इसी क्रेटर में क्या भर जाएगा, पानी। क्या भर जाएगा, पानी। तो ये क्या बन जाएगी फिर उसके बाद, क्रेटर झील। क्या बन जाएगी, क्रेटर झील, ठीक है। और ऐसी झील कहां है, हम भारत में महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की लोनार झील। अब ये झील बड़ी चर्चाओं में थी, है ना, कौन सी, कि लोनार झील। बात समझ लीजिए पूरी कहानी। अब जो ये गिरा है, जो ये अगर नीचे जो उल्का आकार में बड़ा है और पृथ्वी पर आकर गिरता है, क्रेटर निर्माण करता है, तो ये क्या है, इसको कहते हैं उल्काश्म। क्या कहते हैं इसको, उल्काश्म कहते हैं। बात समझिए, ये सौर मंडल के सदस्य हैं। उल्का तीन प्रकार के होते हैं, लोहे व निकल वाले उल्का, लोहा व सिलिकॉन वाले उल्का, पत्थर वाले उल्का। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करें तो ये किसका शिकार हो जाते हैं, घर्षण का शिकार हो जाते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, जलकर क्या हो जाते हैं, नष्ट। तब क्या कहा जाता है, शूटिंग स्टार। दूसरा क्या है, कि हो सकता है कि जो उल्का है वो कहाँ फट जाएं, आसमान में ही फट जाएं, तो और उनके पृथ्वी टुकड़े किस पर गिर जाए, पृथ्वी पर। जब आसमान में फटते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इस घटना को कहा जाता है बोलाइड। क्या कहा जाता है, इस घटना को बोलाइड कहा जाता है। जब जो टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टेक्टाइट उनको कहते हैं, ठीक है। ये दो बातें हैं, मैंने कहा कि अगर इन दोनों बातों में से कोई भी एक घटना ना हो और उल्का आकार में बड़े हैं तो पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, क्रेटर का निर्माण करते हैं। समझिए, जो उल्का आकार में बड़े हैं, जो पृथ्वी की तरफ आए, उन्हें उल्काश्म कहते हैं। ये उल्काश्म पृथ्वी की तरफ आया, सीधी सी बात है, और जब ये टकराएगा पृथ्वी पर तो क्या होगा, कि पृथ्वी पर एक खड्ड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण, खड्ड का निर्माण, और इसी खड्ड को क्या कहते हैं, क्रेटर। जब इसे पानी भर जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, क्रेटर झील। देखिए झील बन गई है, ऐसी ही झील है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की लोनार झील। और दुनिया की सबसे बड़ी झील, ऐसी जो झील है वो कौन सी है, उत्तरी अमेरिका अरिजोना प्रांत की बेरिंगर लेक। कौन सी लेक, बेरिंगर। एक बात और समझिए, जो बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है, एंड यू शुड नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको जानने चाहिए। देखिए क्या है, इफेक्ट क्या है, देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा। हालांकि इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं जो ये साबित करती हैं कि इस पृथ्वी पर जल उल्का पिंडों के माध्यम से ही आया है, ठीक है। और ये उल्का पिंड जब पृथ्वी पर आते हैं तो ये बड़े बड़े पदार्थों के क्या होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं। देखिए प्रभाव, देखिए जब ये उल्का पिंड इस पृथ्वी पर आकर गिरेगा
तो पृथ्वी का द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा। और जब पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो पृथ्वी की घूमने की शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? तो बताया जाता है कि पृथ्वी की घूमने की जो शक्ति, जो स्पीड है, वो कम हो रही है। बढ़ते द्रव्यमान के कारण, बढ़ते द्रव्यमान के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, ये इसका बड़ा प्रभाव है। ठीक, जब द्रव्यमान, चूंकि भाई जब उल्का पिंड लगातार अर्थ पे स्टोर होता रहेगा तो अर्थ भारी हो जाएगी ना, तो अर्थ की जो अपने अक्ष पे घूमने की शक्ति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बढ़ते द्रव्यमान के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति क्या हो रही है? कम हो रही है। ये इसका पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है लगातार, इनके पृथ्वी पर गिरने से जान माल की हानि की संभावना है, गिरने से जान और माल की हानि होने की संभावना होती है। ये प्रभाव है इसके। बात समझिए कि जब ये उल्का पिंड लगातार पृथ्वी पर गिर रहे हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है। द मास ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग मास द रोटेशन वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ अर्थ विल रिड्यूस। अगर बढ़ते द्रव्यमान कारण पृथ्वी की जो घूर्णन गति कम हो रही है, दूसरा पृथ्वी का द्रव्यमान जब टकराते रहेंगे तो द्रव्यमान लगातार बढ़ता रहेगा, पृथ्वी गिरने से जानमाल की हानि होगी। अच्छा, एक बात और समझिए कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कम होने की वजह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ज्वार। अर्थ ऐसे घूमती है, ज्वार ऐसे आते हैं। बात समझिए, अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है ना, और लेकिन ज्वार कैसे उठते हैं? ऐसे ज्वार ऐसे उठे, अर्थ ऐसे उठे, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है। इससे भी अर्थ की घूर्णन गति क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये सारी बातें जो आपको बताई गई, ये सारी बातें हैं उल्का और उल्का पिंडों के बारे में। उल्का वो हैं जो ये हैं, और उल्काश्म है वो जो जो कहीं नष्ट नहीं होता, फटता नहीं, और किस तरफ आ गिरता है? पृथ्वी की तरफ आ गिरता है, उसे उल्काश्म कहते हैं। ठीक है, जब ये नष्ट हो रहा तभी ये शूटिंग स्टार है। ठीक है, ओके। देखिए, तो आप उल्का और उल्का पिंडों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे सौरमंडल में जितनी भी चीजें ग्रहों से अलग हैं, उपग्रहों से अलग हैं, वो सारी बातें हम समझ चुके हैं। क्या सूर्य होता है, क्या धूमकेतु या पुच्छल तारा होता है, ये सब बातें भी हम समझ गए हैं, है ना। उल्का उल्का पिंड एक और रहता है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। इन क्षुद्र ग्रहों के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है, तो क्षुद्र ग्रहों की कहानी बहुत लंबी है। पहला सवाल तो ये कि ये कहाँ लोकेटेड है, ये कैसे बने हैं, ठीक है, इनकी किसी भी और ग्रह से टकराने की क्या संभावना है और उसके क्या उपाय हैं, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं अपने सौर मंडल में अपने ग्रहों की तरफ। किन की तरफ? ग्रहों की तरफ। ग्रहों के बारे में मैंने आपको एक परिभाषा जरूर बताई थी, हमारे सौर तंत्र और ग्रह, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना ग्रह की, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए प्लैनेट। मैंने आपको बताया था कि हर वो चीज ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाए, अपने पड़ोसी किसी ग्रह की कक्षा को ना काटे, और उसका घनत्व कम से कम इतना अवश्य हो कि लगभग क्या हो, गोलाकार हो। लगभग, लगभग इसलिए क्योंकि अगर आप पृथ्वी के केस में बात करते हैं तो पृथ्वी भी संपूर्ण गोलाकार तो है नहीं, चपटी है, लेकिन मैंने क्या कहा कि लगभग गोलाकार वो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सूर्य हमारे सौर तंत्र का प्रधान है, मुखिया है। अब ग्रह, ठीक, तो ग्रहों के बारे में आप थोड़ा देखो। पहले तो हम ये देखते हैं कि कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं ग्रहों की, क्या हैं, कुछ बातें हैं ग्रहों के रिगार्डिंग कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर एक, जितने भी ग्रह हैं, ग्रह सूर्य के चारों तरफ
सूर्य के चारों तरफ परवलयाकार परवलयाकार पथ पर घूमते हैं। ठीक है, और सूर्य फोकस पर होता है, पूरी बात को समझिए। ग्रह सूर्य के चारों तरफ परवलयाकार मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट, द प्लैनेट्स रोटेट्स अराउंड सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट। समझिए, अगर ये सन है, ये सूर्य है, तो जितने भी ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ परवलयाकार किसमें घूमते हैं, परवलयाकार पर। ये इस तरीके से ही घूमेंगे चाहे कोई भी ग्रह हो, और ये क्या है, सूर्य। और सूर्य हमेशा किस पर होता है, सूर्य हमेशा फोकस पर होता है। ठीक है, इस तरह ये घूमने की दिशा रहती है प्रत्येक उसकी। दूसरी बात अगर हम ग्रहों के बारे में करें कि कोई भी ग्रह जब जो परवलयाकार उसमें घूम रहा है तो उसके द्वारा निश्चित समय में चला गया क्षेत्रफल कांस्टेंट रहता है। यह थोड़ा पेचीदा मामला है, इसको आप क्या समझेंगे, इसको आप डायग्राम से समझिए। मान लीजिए कि यह सन है और यह कोई प्लेनेट है, ठीक है। अब इसने क्या किया, अगर हम यहां से देखें तो पहले ना मैं सर्किल पूरा गोल बनाया करता था, अभी ऐसी प्रैक्टिस छूट गई है कि मेरे से सर्किल गोल नहीं बनता। देखिए, ए बी सी, ठीक है। अभी क्या, यहां से देखो ये प्लेनेट अब यहां आ गया है, तो ये यहां से मान लीजिए यहां तक गया, यहां तक, तो ए एक्स और वाई, ये कहता है कि द ये वाला एरिया, देखो समझो, कि जितने समय में ये वाला क्षेत्रफल हमेशा इस वाले क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। मतलब ग्रह कैसे भी घूमे, ये निश्चित समय में जो क्षेत्रफल चलेगा, क्षेत्रफल हमेशा क्या रहेगा, समान। यानी कि इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए एक्स वाई। भाई ये तो बहुत बड़ा है, ये एरिया छोटा है, तो एक बात तो क्लियर समझ में आनी चाहिए ना कि जब कोई भी ग्रह यहां पर होगा इसके मुकाबले तो इसकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी। क्या होगी, तेज। ये तीसरी बात देखिए, जब ग्रह जो ग्रह सूर्य के, या तो जो ग्रह कहें या जब ग्रह कहें, दोनों बातों में अंतर क्या है समझिए। बुध के मुकाबले शुक्र की घूमने बुध की घूमने की स्पीड तेज है, क्योंकि बुध शुक्र के मुकाबले सूर्य के ज्यादा पास है। लेकिन जब ये इस पथ पर घूमेंगे तो एक समय ऐसी स्थिति आती है कि शुक्र भी अपनी इस स्थिति के मुकाबले यहां पर सूर्य के ज्यादा नजदीक होता है, तो यहां के मुकाबले यहां पर इस ग्रह की स्पीड क्या होगी, ज्यादा। हाँ, लेकिन
उससे ज्यादा नहीं होगी जो सूर्य के ज्यादा नजदीक है। देखो दो बातों से तुलना, पहले तो दो ग्रहों की आपस में तुलना करो। अगर हम इसको शुक्र ग्रह मान लें और इसको बुध ग्रह मान लें, तो सीधी सी बात है कि बुध ग्रह की घूमने की स्पीड क्या होगी, तेज होगी, किसके मुकाबले, शुक्र ग्रह के मुकाबले। लेकिन शुक्र ग्रह की स्पीड में भी अंतर आएगा। अगर हम सिर्फ शुक्र ग्रह की बात करें कि अगर ये जब यहां था इसके मुकाबले यहां आने पर इसकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी कि जो ग्रह या जब ग्रह, जो ग्रह मतलब बुध के रिगार्डिंग और जब ग्रह मतलब ग्रह के खुद का संबंध, जब है कि जो या जब ग्रह सूर्य के ज्यादा नजदीक होता है तब उसका वेग मतलब कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। बात नंबर एक, बात नंबर दो, बात नंबर तीन, अगर हम एक समाहित रूप से कहें तो इसी को कहते हैं कैपलर के नियम। ये किसके नियम है, कैपलर के नियम। बात को समझिए, ग्रह सूर्य के चारों तरफ परवलयाकार पथ पर घूमते हैं। सूर्य क्या होता है, फोकस पर होता है। निश्चित समय में चला गया, क्षेत्रफल कांस्टेंट होता है, एरिया ऑफ एसीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये कहीं भी चलें अगर 3 सेकंड में जितना क्षेत्रफल ये यहां से दूर दूर होने पर चलेगा उतना ही क्षेत्रफल ये यहां चलेगा। समय के साथ चलने वाला क्षेत्रफल हमेशा कांस्टेंट होता है। जो या जब ग्रह सूर्य के ज्यादा नजदीक होता है तब उसका वेग हमेशा, द ऑर्बिटल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये तीनों बातें किसने बताई, ग्रहों के संबंध में, कैपलर ने बताई थी। किसने बताई है, कैपलर ने। अब हम देखते हैं अपने सौरमंडल में इन ग्रहों का सेटलमेंट। ओके, अब देखते हैं हमारे सौरमंडल में ग्रहों की क्रम, व्यवस्थित क्रम। देखिए, एक तो है सूर्य, सन। मैं इसके मुकाबले में कुछ ग्रहों को बड़ा भी बनाऊंगा तो ये उस बात को कहने का आशय ये नहीं है कि कोई ग्रह सूर्य से भी बड़ा है। उस बात को कहने का आशय है, अगर सूर्य अगर छोटा बनाया है मैंने, तो इसका आशय है कि किसी भी ग्रह से सूर्य की चूंकि अपेक्षाकृत दूरी बहुत ज़्यादा है इसलिए वो छोटा दिखाई देता है। चूँकि सूर्य एक तारा है, तारे की एक खास बात यह होती है कि तारे के पास अपनी प्रकाश का स्रोत होता है, अपनी ऊर्जा का सोर्स होता है। वहीं अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, वे दूसरे की प्रकाश और ऊर्जा से चमकते हैं। इसके सबसे पास का जो ग्रह है वो है बुध, दैट इज मरकरी। हालांकि मरकरी शब्द के कहने के पीछे आज से एक राज है। बुध क्या होता है कि बुध को शाम व भोर का तारा भी कहते हैं। बच्चे सोच रहे हैं शाम में भोर का तारा, तो शुक्र को भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं। जब ये सुबह को दिखाई देता है तो इसको अपोलो, और शाम को क्या कहते हैं, इसको मरकरी। अब मैंने कैसे याद किया, मरकरी लाइट की तो शाम को ही पड़ती है रात को, तो मैंने लगा कि शाम वाले को मरकरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा शुक्र, दैट इज वीनस। ओके, वीनस से बड़ा और लगभग लगभग इसके समकक्ष, थोड़ा सा बड़ा लगभग समकक्ष पृथ्वी, अर्थ। बिहार पीसीएस में एक बार एक सवाल पूछा गया कि निम्न में से किस ग्रह के बारे में हम सब ज्यादा जानते हैं। बिहार पीसीएस था, तो कौन सा पीसीएस था, हाफ स्टेट पीसीएस, अब मोस्ट प्रोबेबली बीपीएससी में ही था कि निम्न में से किस ग्रह के बारे में सब ज्यादा जानते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब चूंकि आजकल मंगल पर रिसर्च ज्यादा चल रही है तो बहुत सारे बच्चों ने क्या टिक लगा दिया कि मंगल के बारे में सब ज्यादा जानते। सही आंसर क्या था, पृथ्वी। भैया पृथ्वी तो एक ग्रह ही है, पृथ्वी ज्यादा तुम किसके बारे में जानते हो, तो ये भी ध्यान रखना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी से कुछ बड़ा मंगल, दैट इज मार्स, और मार्स से बड़ा
बृहस्पति, दैट इज जुपिटर। ठीक है, ये सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसको क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको इनको इंटरनल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, बाकी सब बाह्य ग्रह हैं। बृहस्पति के बाद अब क्रम फिर घटता चला जाएगा, शनि, दैट इज सैटर्न। ठीक, उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि प्लूटो के बारे में हम पहले से ही बात हम कर चुके हैं, और मैंने बताया था कि ये सारे ग्रह उस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, हालांकि उस पर अभी तमाम तरह के शोधों की ज़रूरत है जो अब भी हो रहे हैं, है ना? जो बाइपोलर कॉन्सेप्ट है वो समर्थन करते हैं ये ग्रह, देख लीजिए, है नहीं? है बाइपोलर थ्योरी जो है उसको ये क्या ग्रह क्या करते हैं, उसको ये ग्रह सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो ये सब स्थिति है। देखिए, ये सारे ग्रह इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि इनकी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की स्थिति है, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा की दिशा, ऐसे कहोगे जी आपने दो क्यों छोड़े? दो मैंने इसलिए छोड़े, शुक्र और अरुण, परिक्रमण की दिशा, इसके बारे में क्या बात रही ध्यान देना, अपोजिट टू अदर प्लैनेट्स, मतलब अन्य ग्रहों के मुकाबले विपरीत है इसका। ठीक है, तो ये रहा हमारे ग्रहों का एक व्यवस्थित क्रम। अब हम एक एक ग्रह को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हालांकि एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा पूरा, कोशिश करेंगे कि तीन ग्रह ऐसे कुछ, दो दो तीन तीन ग्रह करके हम इसको पढ़ें। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पूरा सेटलमेंट था। ओके, तो भाई क्लास को विराम देते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी, और खुद भी करा आप लोगों को करवाइए भी, ठीक है, ताकि हमारे लिए बेस्ट मोटिवेशन काम करे। और मैं नहीं मानता, अगर किसी प्रकार का किसी बच्चे को डाउट है तो नीचे लिंक में एक व्हाट्सएप नंबर चलता रहता है, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके।